दादी की हालत कैसी? खराब है। कोई स्टेटमेंट दिया? पुलिस को कुछ नहीं बोलेगा, उन दोनों भाइयों से बात कर रहा है। क्या कहा सादिक ने? क्यों? स्टेटमेंट लिखेगा और फिर क्या? अरेस्ट करेगा जैसे पहले किया था। क्या उखाड़ लिया वो करके? साले 10 दिन में बेल पे बाहर आ गए और ये हाल किया सादिक मियां का? तेरा गुस्सा जायज है जुबेर, इसलिए तेरी ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन मेरी बर्दाश्त को मेरी कमजोरी मत समझ। कमजोर नहीं साले, पुलिस वाले तुम सब नामर्द हो। बंदूक तो है लेकिन गोली में लोहा नहीं है। पुलिस की गोली में इतना लोहा है, एक बार ठोक दी ना तो जिंदगी पर तेरे खून मायन की कमी नहीं होगी, समझा? तो बाटला और लाला को जाकर ठोकना, यहाँ किसको गमी दिखा रहा है? जो भी अभी करना है ना वो हम करेंगे। ऊपर जो गया ना हमारे बाप से कम नहीं था। देख अब उस बाप के लिए कैसे ठोकते हैं मस्तानों की। ले जाए इसे, वरना मुंह बोले बाप के साथ अपने सगे भाई को भी खो देगा। जा रहे हैं, लेकिन तुम सब अब 2 लाशों के लिए तैयार हो जाओ। चल रहे। कुछ भी किया तुम भाइयों ने ना, तो 2 लाशें तुम्हारी होगी। माफी गलतियों की होती है, गुनाहों की नहीं। और ये गुनाह तेरी आखिरी गलती थी लाला। क्या अंबाद कटिंग पे कटिंग। बड़ी चर्बी है तुम दोनों में, अभी तक यहीं बैठे हो। वो क्या है ना, जनरल नॉलेज है कि पुलिस हमेशा देर से आती है, सोचा यहीं इंतजार कर ले। गाड़ी में बैठो दोनों। वारंट लाया है, गवाह है तेरे पास, पूरे मोहल्ले ने देखा है तुम दोनों को ये करते हुए। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यार गवाह गांधी जी का नहीं हमारा बंदर है, जो ना हमारी बुराई सुनता है न देखता है न बोलता है। गवाह चाहिए ना तुझे, गवाह खुद चल के आएगा तेरे पास। मां कसम। फिकर मत कर बाटला, तुझ पे इतने मेहरबान नहीं है कि तुझे इतनी आसान मौत दे दे। तेरा जिस्म जितना तड़पेगा सादिक मियां की रूह को उतना ही सुकून मिलेगा। नहीं
सरकटी मुर्गी को देखा है भाई? भाई कैसे फड़फड़ फड़फड़ाती है वो, जिस्म को यकीन ही नहीं होता कि उसका सर कलम हो चुका है। और वैसे ही फड़फड़ाते हुए तू पायदोनी पुलिस स्टेशन जाएगा और अपने सारे गुनाह कबूल करेगा। साहब, साहब, साहब मेरे को अंदर कर दो, साहब अंदर कर दो मेरे को, साहब मैं अपना हर गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। साहब वो चावला गेस्ट हाउस का जिम्मेदार मैं था, साहब सादिक को भी मैंने मारा और वो याकूब को भी मैंने खत्म किया। साहब मेरे हाथ किसने काटे? अरे ये मैंने खुद ही काटे हैं साहब। आपको मेरे पे जो केस थोपना है थोप दो, पर अभी मेरे को अंदर डाल दो साहब। ए साहब अंदर डाल दो ना साहब। ए चल चल अंदर डाल दो ना साहब। सलाम साहब, क्या खबर है? खबर एकदम कड़क है, आज वो होने जा रहा है जो बंबई के अंडरवर्ल्ड में अब तक कभी हुआ नहीं है। सुला मस्तान और हक्सर भाइयों के बीच। कहा? हाजी मकसूद के घर। हम यहां सुलह कराने आए हैं, गली के कुत्तों की तरह लड़ने नहीं। मकसूद चाचा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं इसीलिए आए हैं, आपकी गुजारिश सर आंखों पर। हम आपसे वादा करते हैं कि दुश्मनी की आग हम नहीं जलाएंगे, मगर किसी और ने जलाने की कोशिश की तो उसे बुझाकर कुचलना हमें अच्छी तरह आता है। दिलावर बेटा, क्या हम तुम्हारी इस बात पर भरोसा कर सकते हैं? मकसूद चाचा, हम यहां सब मुसलमान हैं और एक सच्चा मुसलमान अपनी बात का बड़ा पक्का होता है। तो आओ कुरान पाक पर हम सब हाथ रखकर सुलह के इस फैसले को मुकम्मल करते हैं। वो ऐतिहासिक सुलह साली सुलह कम नौटंकी ज्यादा थी। उन सब ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी। कसम उन्होंने खाई थी, मैंने थोड़ी। औरंगजेब और मीरजादा साले दोगले इंसान थे। सुपेर और दिलावर उन्हें पहचानने से चूक गए। तूने पहचानने के बाद भी उनसे हाथ मिलाया? जब तो लोगों की पीठ में खुजली होती है तो वो एक दूसरे के काम आते हैं, और उन अक्सर भाइयों की लेने की मुझ में कितनी खुजली थी ये तो तू जानता ही है।